आपके दिल में किसी के लिए सच्ची फीलिंग्स है, सच्चा प्यार है, लेकिन सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं देता या आपको इग्नोर करता है, तब आपको अंदर से बहुत दुख और दर्द होता है। लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर पाते, बस बार बार उस इंसान को याद करके खुद से रोते हो अकेले में। अगर आपने एक बार अपनी फीलिंग्स सामने वाले इंसान को बता दी, फिर भी वो आपको इग्नोर करता है, आपकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं देता, तब आपको चाहिए कि आप उस इंसान से दूर हो जाओ, क्योंकि ये जो फीलिंग्स है, दर्द है उस इंसान को लेकर आपके अंदर, वो अभी सिर्फ आपके अंदर है, उस इंसान के दिल में वैसा नहीं जैसा आपके अंदर अभी चल रहा है। इसलिए कुछ समय के लिए उस इंसान से बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट हो जाइए। अगर वो इंसान के दिल में कभी आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स का एहसास हुआ, तो यकीन मानिए वो खुद आपके पास आएगा, क्योंकि एक तरफा प्यार में मिन्नतें, बार बार किसी से अपनी फीलिंग्स बताना, मतलब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खोना। आपके रोने या ना रोने से कोई आपको सच्चा प्यार नहीं करेगा जब तक कि उसके दिल में आपके लिए सच्ची फीलिंग्स ना हो। तो इसलिए आप उससे दूर होकर अपनी लाइफ जिए। अगर आपके प्यार का एहसास उस इंसान को होगा तो वो ज़रूर आपके पास चलकर आएगा, क्योंकि यकीन मानिए फीलिंग्स हमेशा उसी इंसान से जुड़ती हैं जिससे हमारा डिवाइन कनेक्शन होता है। ऐसे ही नहीं सबसे फीलिंग्स जुड़ जाती, इसलिए कुछ ना कुछ इफेक्ट दोनों को पड़ता है अंदर से, आप चाहे बताओ या ना बताओ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल अतुल मोटिवेशन जोन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।